वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज एक बहुत ही रिसेंट लेटेस्ट और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हम आपको देने वाले हैं रिगार्डिंग द एम फिल एडमिशन इंटरव्यूज ऑफ 2023। जिन लोगों ने अभी टेस्ट दी हुई थी उनके इंटरव्यू शेड्यूल के हवाले से आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन एलिजिबल होगा इंटरव्यूज़ के लिए, इंटरव्यूज़ कब होंगे, क्राइटेरिया क्या होगी सिलेक्शन की, ये सब बातें और बहुत कुछ हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक हमारी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो है स्टूडेंट्स एमफिल इनरोलमेंट 2023 के हवाले से जो अभी अभी रिसेंट एडमिशन टेस्ट हुई थी। इंटरव्यू फॉर एमफिल 2023 इनरोलमेंट, नंबर वन है किसके इंटरव्यू होंगे। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, कैंडिडेट्स हु हैव ऑब्टेंड 40 मार्क्स आर मोर इन रिटन टेस्ट। जो अभी रिटन टेस्ट हुई थी उनमें ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे कैंडिडेट्स जिन लोगों ने मिनिमम 40 मार्क्स ली हुई थी वो एलिजिबल हैं इंटरव्यू के लिए। या फिर दूसरी कंडीशन क्या है, वैलिड जीआरई गेट जनरल टेस्ट क्वालिफाइंग रिजल्ट कार्ड विथ मिनिमम 50 मार्क्स, सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर 2 ईयर्स। या फिर अगर टेस्ट नहीं दी जिनकी जीआरई क्वालिफाइड है और 50 मार्क्स हैं दो लास्ट 2 ईयर्स के अंदर अंदर वो जीआरई क्वालिफाई की है वो भी एलिजिबल है। तो दो कंडीशंस हैं, या तो आप लोगों की एडमिशन टेस्ट में 40 मार्क्स हों कम से कम तो आप एलिजिबल हैं इंटरव्यू के लिए, या फिर अगर आपके पास वैलिड जीआरई का मिनिमम 50 स्कोर है लास्ट 2 ईयर्स में तो भी आप एलिजिबल हैं फॉर इंटरव्यू के लिए। ठीक है, अच्छा क्राइटेरिया क्या है आगे इंटरव्यू के बाद, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है एडमिशन के लिए। एकेडमिक रिकॉर्ड आपका 30% होना चाहिए, 30% जो आपका प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड है, ग्रेजुएशन मास्टर्स ये सारी कम से कम 30% इसका स्कोर लिया जाएगा। प्री इंट्री टेस्ट स्कोर 40%, प्री इंट्री टेस्ट में जितनी भी मार्क्स आपने ली हुई हैं उसका 40% लिया जाएगा और इंटरव्यू का आपका 30% स्कोर काउंट किया जाएगा। दिस इज़ लाइक CPN। ठीक है, जैसे कि लास्ट में हम मतलब एक बैचलर्स की टेस्ट होती है उसमें एक CPN होता है, टोटल CPN कितना बनता है, जिसमें हम मेट्रिकुलेशन के इंटरमीडिएट के ये मार्क्स काउंट करके कम्युलेटिव CPN बनाते हैं। तो ये भी एक कम्युलेटिव CPN है, 30% आपका एकेडमिक रिकॉर्ड होगा, 30% आपका जो होगा वो इंटरव्यू के मार्क्स आपकी काउंट की जाएंगी, टोटल 60 हो गई और प्री इंट्री टेस्ट का 40% स्कोर हो गया, टोटल 100 हो गई। तो ये टोटल एक कम्युलेटिव आपका CPN है। लाइक इस तरह ये एडमिशन क्राइटेरिया है, इस तरह आपको इवेल्यूएट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सिलेक्शन स्कोर। स्टूडेंट हैज टू सिक्योर 50% कम्युलेटिव मार्क्स टू क्वालिफाई फॉर एडमिशन। मतलब ये है कि टोटल जो प्रीवियस में अभी आपको बताया मैंने कि 30% आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड स्कोर होना चाहिए, 30% जो है आपका स्कोर होना चाहिए और उसके बाद 40% आपका टेस्ट का स्कोर दिया जाएगा। तो ये सब मिला के 100% जो हुआ उसका मिनिमम आप 50% आप सिक्योर करें स्कोर होना चाहिए तब आपको एमफिल 2023 में एडमिशन मिलेगी। ये मतलब एक सिलेक्शन स्कोर है इसका। नेक्स्ट में ये एक सर्कुलर निकला है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को जिनकी हुई थी कि आपको राउंड अबाउट 12 अप्रैल तक ये इंटरव्यूज कंप्लीट करने हैं। अब होगा क्या कि हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना आपको शेड्यूल देगी, लाइक जूलॉजी वाले अपने डेट पे इंटरव्यूज कंडक्ट करेंगे, कंप्यूटर साइंस वाले अपनी डेट पे इंटरव्यूज कंडक्ट करेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले अपनी डेट पे जो है वो इंटरव्यूज कंडक्ट करेंगे। ये सब कुछ थ्रू प्रेस, थ्रू सोशल मीडिया जो है वो रिलीज़ किया जाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आप उस डेट पे आप अपनी कंसर्न डिपार्टमेंट में जाएंगे इंटरव्यूज देने के लिए। राउंड अबाउट ये सारा प्रोसेस जो है वो 12 अप्रैल 2023 तक ये कंप्लीट कर देना है इंटरव्यूज़ का, क्योंकि होप्स हो कि फ्रॉम द 18 अप्रैल क्लासेस स्टार्ट करने हैं एमफिल 2023 की। तो डियर फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है आपको इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इस तरह की लेटेस्ट और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।